कैसा लग रहा है? सो गुड मॉर्निंग। सुबह का वेदर एकदम से ठीक नहीं है, थोड़ा सा डल टाइप का वेदर है। ऊपर से आई थिंक बारिश भी हुआ है। सो क्या देखते हैं, इसके लिए ना तबीयत भी कुछ खास नहीं रहता यार। चलो भाई, मजा आया। बारिश बैग, इसका माता पिता कौन है अभी तक पता नहीं चला। तू क्या बोल रही है? हम अभी भी खोज लगा रहे हैं बट पता नहीं चल रहा इसका माता और पिता कौन है। अगर कोई अपने बच्चे को इधर छोड़ के गए हैं सो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। सो चलो यार, बाद में खोज लगाएंगे इसका माता पिता कौन है। सही खेल गया। पड़े हैं इधर लवारिश यार, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है यार। हाँ यार, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है यार। ये बैग में कहाँ गया, ये इधर, ये बैग में बॉम्ब भी हो सकता है। ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी एडिटिंग लेके बैठी हूँ क्योंकि कल व्लॉग जाएगा, उसका एडिटिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ। एकदम से मन नहीं कर रहा था एडिटिंग करने का बट फिर भी बैठ गई और एडिटिंग करते करते लगा कि चलो थोड़ा सा इतना सा आशा वाला किरण, धूप का किरण आ रहा है छत के ऊपर, सो थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा सेंक के आते हैं धूप, इसलिए आ गई ऊपर। और एक चीज दिखाएंगे, ये देखो यार, ये एक दो एंड तीन, ये तीनों जो चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें दो दिन से सूख नहीं रहा यार। इतना धूप की कमी है, इतना बारिश था, फॉग था, एकदम से धूप नहीं था, सूरज महाराज को देख नहीं पा रहे थे। सो ये दो दिन से पड़ा है ऐसे, सूख नहीं रहा। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। ये देखो पाम पौन हो गया। पाम पौन हो गया, अरे ब्लैक ब्लैक अच्छे पाम पौन हो गया, अभी नहाने के लिए जाना है। युद्ध करने जाना है, युद्ध युद्ध। तेरे पास कोई और रास्ता है? यशो दीदी, कैमरा यशो। बोलो किशो। बोला किशो नहीं, आई मीन बोलने का कुछ नहीं है। क्या बोले यार, इतना ठंड में क्या बोले, ऊपर से आज धूप भी नहीं है, धूप भी नहीं दे रहा। आप देखो पूरा छाव छाव है, एकदम से धूप नहीं है आज, पता नहीं क्यों। कैसे युद्ध करके कैसे लौटेंगे पता नहीं है। एक्चुअल में लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये ही कंफ्यूजन है। और ये देखो सीरियल चल रहा है। सो या चलो टॉवल को ले लेते हैं, अभी नहाने जाना है बट धूप नहीं है। बहुत हिम्मत जुटा ली कि नहीं मुझे नहाना है। अरे कोई है? हिम्मत जुटाने के बाद मैं डिसाइड की चलो नहा ही लेते हैं। कल नहीं नहाई थी तो आज नहाना जरूरी है, नहाना पड़ेगा। बट इट्स अ वॉर कंट्रोल कंट्रोल। और एक चीज दिखाएंगे, देखो ये है गार्डन का हमारे,
बट क्या हुआ आई डोंट नो, पता नहीं गिर गया शायद. सो गार्डन में जो भैया मतलब काम करते हैं गार्डन का, गार्डन देखभाल करते हैं, सो वो भैया ने शायद उठा के दे दिया. मुझे सुबह मिला डाइनिंग टेबल में, सो मैं आके इधर शिफ्ट कर दी मेरे मनी प्लांट के इधर. इस साइड ना पूरा पेन हो रहा है यार. एक तो माइग्रेन है, ऊपर से इतना कोल्ड एंड कफ है, सो पूरा इस साइड पेन है, बैक पेन है. इधर पेन एक अटक गया था बट फिलहाल अभी के लिए वो ठीक है. चलो नहा के आते हैं. या चलो नहा के आ गई. सो जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, आई एम बैक. मेरा डेथ नहीं हुआ, मैं नहा के सही सलामत वापस आ गई. सो जो लोग पसंद करते हैं मुझे उनके लिए ये खुशखबरी है. बट जो लोग मुझको पसंद नहीं करते उनके लिए एक बैड न्यूज है कि आई एम बैक, मैं नहा के वापस आ गई. यार कितना दुख की खबर है. पर क्या करे, आ गई तो आ गई, बाद का देखेंगे. अगर जा पाए तो अच्छा है, जो लोग पसंद नहीं करते मुझे उनके लिए अच्छा है. सो या फिलहाल के लिए मुझे ये टावल को उतारना है, सो अभी मुझे जाना पड़ेगा. फिर देखते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे. बोलो ये काम मेरा है. आपको लेके भी इतना परेशानी यार. जब मैं वीडियो उठा रही थी, मतलब वो काप में जो दूध चाय दिया जा रहा था, तो मुझे लगा कि चलो यार थोड़ा सा वीडियो मेक कर लेते हैं. इतना विंटर सीजन में इतना गरम गरम चाय, सो वीडियो इफेक्ट अच्छा रहेगा. दीदी बोल रही है कि नहीं, उसमें बोलना कि वो काम मेरी है. अभी पी रही है. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है ना. फीलिंग की नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला. सो मैं दूध चाय नहीं पीती, आप लोगों को पता है. सो मेरे लिए जो है वो भी दिखा रही हूँ. बहुत ज्यादा गर्म हो गया आई थिंक, सो मेरे लिए गर्म पानी. आह कितना गर्म हो गया यार, इसमें ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा यार. आओ आओ, बहुत ज्यादा गर्म हो गया. चलो थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लेते हैं. इतना कोल्ड एंड कफ है, इतना कोल्ड एंड कफ है, तबीयत इतना खराब है, इतना बिगड़ के रखा है ना. तो जब भी मैं पानी पीती हूँ तो गर्म करके ही पीती हूँ अभी इसी वक्त. सो या चीयर्स. यार सच्ची बोल रहे हैं कि जब नहाने गई थी तो साक्षात करके आई यम देवता का. सच बोल रहे. ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. इतना ज्यादा ठंड था यार, इतना ज्यादा ठंड है. थोड़ा बहुत धूप निकला था, मैं छत के ऊपर गई थी, आप लोग भी देख चुके होंगे. सो थोड़ा बहुत धूप था, अभी तो वो भी गायब यार. बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है अभी. कि शुक्र है लौट के आई बाथरूम से. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी बाहर जाएगा, मैं नहीं, मेरा आत्मा इधर ही अटक जाएगा. सो शुक्र है कि मैं जिंदा लौट के आई. यार याद कर करके ये होम्योपैथी दवाई को लेना मतलब इज अ मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला एक चीज है यार. मैं बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता यार कि कितना नंबर खाई एंड देन कितना नंबर लेना पड़ेगा.
बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ मैं। और होम्योपैथी का यही चीज है कि ऑल्टरनेटिवली आपको दवाई लेना पड़ता है और ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, ले लेंगे। बट या जो भी हो, मेरे को तो होम्योपैथी से ही काम बनता है, सो आई प्रेफर होम्योपैथी मेडिसिन। सो या दैट्स इट। या दिस इज बॉइल्ड पास्ता जो कि आज बनने वाला है, इवनिंग स्नैक्स टाइप कुछ होगा। सो या अभी बॉइल्ड करके रखा हुआ है एंड देन इसका रेसिपी मैं दिखाऊंगी। बट हाँ, आज घर में बहुत सारा वेजिटेबल्स नहीं है, सो या जैसा होगा वैसा ही रेसिपी हम शो करेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। पड़े